दोस्तों फाइनली आईपीएल 2020 का सीजन खत्म हो चुका है और अब इंडियन क्रिकेट फैंस भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टी20 सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के धमाकेदार सीरीज से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, जहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टी20 मैच किस तारीख को खेलने वाली है, यह मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा, इस मैच के लिए दोनों टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11 क्या होगी और इसके साथ ही इस मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट भारत में कौन से टीवी चैनल पर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर हरा दे, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी क्रिकेट मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले शानदार टी20 सीरीज और इसके साथ ही सभी सीरीज के शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया की टीम कौन से स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया के टूर पर रवाना हो चुकी है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं वनडे स्क्वाड के बारे में। तो यहां पर दो बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और वनडे के स्क्वाड में संजू सैमसन और शुभमन गिल की वापसी हुई है। वहीं टी20 स्क्वाड के बारे में बात करें तो टी20 स्क्वाड में टी नटराजन आपको डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर टी नटराजन को टी20 स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं टेस्ट स्क्वाड के बारे में। तो यहां पर भी दो बहुत ही बड़े नाम देखने को मिले हैं, जहां पर शुभमन गिल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है और इसके साथ ही मोहम्मद सिराज को पहली बार भारत की टेस्ट टीम में जगह दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी इंडियन टीम की पूरी स्क्वाड जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर पर रवाना होने वाली है। अब बात कर लेते हैं वनडे मैचों के शेड्यूल के बारे में। तो इंडियन टीम पहला वनडे मैच 27 नवम्बर को सुबह 9:10 से सिडनी के ग्राउंड में खेलने वाली है। उसके बाद दूसरे वनडे मैच के बारे में करें तो सेकेंड वनडे 29 नवंबर को खेला जाएगा और यह मैच सुबह 9:10 से सिडनी के क्रिकेट स्टेडियम पर स्टार्ट होने वाला है। वहीं तीसरा ओडीआई मुकाबला 2 दिसंबर को खेला जाएगा जो कि सुबह 9:10 से कैनबरा के स्टेडियम पर खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं टी20 मैचों के शेड्यूल के बारे में। तो भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला टी20 मैच 4 दिसंबर को खेलने वाली है और यह मैच दोपहर 1:40 से कैनबरा से लाइव दिखाया जाएगा। यानी कि इंडियन टीम अपना पहला टी20 मैच 4 दिसंबर को खेलने वाली है और यह मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इंडिया की टीम टी20 मैच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। उसके बाद दूसरा टी20 मैच 6 दिसंबर को खेला जाएगा जो कि दोपहर के 1:40 से सिडनी के क्रिकेट स्टेडियम पर स्टार्ट होने वाला है। वहीं तीसरा टी20 मैच 8 दिसंबर को खेला जाएगा जो कि सिडनी के क्रिकेट स्टेडियम पर दोपहर 1:40 से खेला जाएगा। उसके बाद भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली, जहां पर टेस्ट स्क्वाड में विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेल करके इंडिया वापस आ जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि रोहित शर्मा टेस्ट टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्ट आप इंडिया में कौन से टीवी चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क पर किया जाता था, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जहां पर इस साल स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्ट कौन से टीवी चैनल पर किया जाएगा। तो यहां पर सोनी पिक्चर्स नेटवर्क यानी कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के सभी मैचों का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई मैच का लाइव स्ट्रीमिंग सोनी 6 और
रिकॉर्ड्स के साथ ही सोनी 10.3 पर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन। और अगर आप डीडी फ्री डिश यूज करते हो तो डीडी फ्री डिश में डीडी स्पोर्ट्स पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैचों का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही मोबाइल फोन में सोनी लिव एप्लीकेशन पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैचों का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो ये था लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन, इसके साथ ही सभी टीमों की कंफर्म स्क्वाड और इस सीरीज का पूरा शेड्यूल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।